आज हमने जो है ऊना यूनिट से 38 रूटों पे जो है अपने बसें चलाने का प्लानिंग बनाई हुई है। जैसे जैसे पैसेंजर अवेलेबल होंगे तो इनको बढ़ा घटा भी सकते हैं। तो ये बसें जो है मेन बसें हमारी जो विद इन डिस्ट्रिक्ट है और जो बाहर के लिए है वो हमारे वहाँ हमीरपुर से अभी बस रवाना हुई है 7:10 पे और उसके बाद कांगड़ा जाएगी। ये तीन रूटों दो रूटों पे कांगड़ा एक पे हमीरपुर चलेगी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। बाकी टोटल जो हमारी 38 रूटें जो हम आज ऑपरेट कर रहे हैं ऑन ट्रायल पे बेस पे करें ताकि लोगों को सुविधा रहे। सर जिस तरह से बस आज रवाना की गई तो पैसेंजर जो है वो क्या नहीं? नहीं अभी तो आज स्टार्टिंग पहली बस गई है उसमें पैसेंजर भी नहीं थी। हो सकता रास्ते में जैसे जैसे लोगों को पता लगता रहेगा तो लोग अपने हिसाब से जो है आते रहेंगे और उसमें अवेलेबल। बसों के लिए हमने जो है मार्क की हुई है सीटें जिसमें जो तीन सीटें हैं उसमें सेंटर वाली में क्रॉस लगाया हुआ ताकि साइड में बैठेंगे और जो दो वाली सीटें उसमें एक पैसेंजर बैठे वो भी खिड़की साइड बैठेगा। परिवहन विभाग ने अपनी पूरी तैयारियाँ की हुई हैं। सभी प्रकार की बसों को सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, बस स्टैंड किया जा रहा है और सब प्रकार का मटेरियल सेफ्टी जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो परिवहन विभाग की तरफ से हर तरफ उपलब्ध करवा दिए गए हैं। फिर भी किसी प्रकार की कमी होगी या नज़र आएगी उसको पूरा कर दिया जाएगा। सर HRTC की बसें तो जो शुरू कर दी गई है लेकिन प्राइवेट बसें जो हैं वो प्राइवेट अभी तक देखने में नहीं आ रही हैं लेकिन लगता है कि धीरे धीरे प्राइवेट बसें भी शुरू हो जाएंगी। प्राइवेट वालों से कोई बात नहीं? नहीं, प्राइवेट वालों से हमने हिदायतें दी हैं, हमने इंस्ट्रक्शन बताई हैं कि गवर्नमेंट ने जो है बसों का जो प्रचलन है वो जो बंद किया था वो शुरू कर दिया है और हमने उनको कह दिया है कि वो बसें चलाने जो वो शुरू कर दें। सर मेरा नाम रमन कुमार है और मैं ऊना से आया हूँ और मैंने काफ़ी समय से ऊना में रह रहा हूँ और धर्मशाला में जॉब कर रहा हूँ और आज बस सेवा शुरू हुई इसलिए मुझे ड्यूटी के लिए जाना है धर्मशाला में और होटल में जॉब करता हूँ। मुझे आज ही रात पता चलेगी सुबह 7 बजे बस चलेगी। मैंने मुबारक पर जाना है अपने काम के लिए लेकिन जहाँ पर बस स्टैंड पर कोई रश नहीं है अब कांगड़ा वाली मुबारक पर तो जाऊँगा जो है वहाँ से आगे फिर देखूँगा फिर जाल जाना है।